दुर्ग भिलाई नगर निगम ने नेशनल हाईवे 53 के किनारे स्थित करबला कमेटी के मजार के आसपास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया। इस कार्रवाई में नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया और मजार के आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। धार्मिक स्थल के आसपास व्यवसायिक अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने पहले करबला कमेटी को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर और कब्जा नहीं हटाने पर निगम ने कार्यवाही शुरू की। सोमवार सुबह जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने जीई रोड पर पहुंचकर मजार के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। इस व्यापक कार्रवाई में लगभग 100 पुलिसकर्मी, 150 से अधिक नगर निगम कर्मचारी, 10 जेसीबी मशीनें, 30 डंपर और 3 चेन माउंटेन जेसीबी शामिल थे। टीम ने करबला कमेटी के मजार के आसपास स्थित लगभग 30 दुकानों को अवैध मानते हुए ध्वस्त किया। ये दुकानें मजार कमेटी द्वारा धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। नगर निगम ने पहले भी करबला कमेटी को नोटिस जारी किए थे, जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये दुकानें गैर धार्मिक उपयोग के लिए हैं और निगम की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। भिलाई नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों के अंदर निर्णय लेने का समय दिया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले एक अंतिम नोटिस जारी किया, अवैध कब्जा हटाने को कहा। हालांकि शिकायत यह भी है कि करबला कमेटी ने धर्म की आड़ में अवैध अतिक्रमण किया था। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा पैदा किया, प्रशासन की तत्परता को दर्शाया कि वे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में नोटिस दिया ही नहीं गया था और बिना नोटिस के अतिक्रमण हटा दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।